WWE SummerSlam 2022 से हफ्ते पहले इस इवेंट में होने वाले सभी मुकाबले के नतीजे लीक हो गए हैं। SummerSlam 2022 को लेकर बेटिंग ऑड्स सामने आ गए हैं और फैंस को कई सरप्राइजेस देखने को मिल सकता है। फैंस को पूरा SummerSlam मैच कार्ड से सबसे ज्यादा दिलचस्पी रोमन रेंस और ब्रोक लेसनर मैच के विजेता को जानने में है। आपको बता दें कि बेटिंग ऑनलाइन के मुताबिक बेटिंग ऑड्स में पूरी तरह रोमन रेंस ही फेवरेट है और ब्रोक लेसनर अंडरडॉग है। इसका मतलब साफ है कि एक बार फिर रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर लेंगे। आपको बता दें कि रेंस नई डील के हिसाब से कम डेट्स पर काम कर रहे हैं और इसी वजह से प्यास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि शायद रोमन रेंस अपना टाइटल को हार सकते हैं, लेकिन बेटिंग ऑड्स इस तरफ इशारा नहीं कर रहे। रोमन रेंस के फैंस के लिए ये ज़रूर अच्छी खबर होगी और अगर रेंस यह मैच जीतने में कामयाब होते हैं तो उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप के तौर पर 700 दिन पूरा करना कंफर्म हो जाएगा। फैंस को ये अनुमान देखकर जरूर हैरानी होगी कि कौन भी नया चैंपियन बनता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि अभी समर स्लैम में एक हफ्ते का समय बचा है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यही परिणाम प्रीमियम लाइव इवेंट में देखने को मिलेगा। WWE अंतिम समय में अपने प्लान बदलती रहती है और देखना होगा कि फैंस के लिए क्या प्लान कर रखा है। आपको बता दें कि SummerSlam 2022 से पहले रो और स्मैकडाउन का एपिसोड भी अभी होना बाकी है। सभी की नज़र इस शो पर होने वाली है और देखना होगा कि कंपनी कोई नया मैचों का ऐलान करती है या नहीं। इसके अलावा थ्योरी के पास भी SummerSlam में ब्रीफकेस कैशिंग करने का विकल्प रहेगा। तो आपको क्या लगता है, ब्रोक लेसनर एंड रोमन रेंस के मैच में कौन जीतेगा? क्या थ्योरी वहां पे कैशिंग कर सकते हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। और ये वीडियो भी यहीं तक थी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले। सी यू गाइस इन माय